ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा राहु का राशि परिवर्तन। राहु 23 सितंबर 2020 से और 11 अप्रैल 2022 तक लगभग 18 महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे और इनका वृषभ राशि में 23 सितंबर को प्रवेश हो रहा है वृषभ राशि में। तो क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेंगे वृष राशि और वृष लगन वालों को, तो इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेंगे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। राहु का जो राशि है वह कन्या राशि, इसकी स्वग्रह राशि है और कुछ ज्योतिष मिथुन राशि राहु की उच्च की राशि मानते हैं और कुछ ज्योतिष इसकी वृष राशि उच्च की मानते हैं। धनु और वृश्चिक राहु की जो है नीच राशि कहलाती है, लेकिन राहु अधिकांश शुक्र और बुध की जो राशियां हैं, मिथुन कन्या, मिथुन में तो उच्च के होते ही हैं, कन्या राशि स्वग्रही हो गई और शुक्र की राशियां वृषभ तो उच्च की राशि और तुला, तो यानी वृष बुध और शुक्र की राशियों में शुभ फल प्रदान करते हैं और मंगल और सूर्य की राशि में लगभग अशुभ फल देते हैं। राहु जिस लगन या राशि में होते हैं वहाँ से तीसरे, छठे और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देते हैं, आठवें और बारहवें भाव में अशुभ होते हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5, 7, 9 को, यानी पांचवें भाव को, सातवें भाव को और नवें भाव को देखते हैं तो इन तीन भावों पर उसकी दृष्टि पड़ती है। राहु का जो स्वभाव है, पहले एक बात आप समझ लें कि राहु का जो स्वभाव है चंचल स्वभाव है और अस्थिर स्वभाव है। यानी अस्थिर स्वभाव मतलब, तो ये क्या करता है, चित्त को चंचल करता है, मन को भ्रमित करता है, उन्माद की अवस्था पैदा करता है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, यानी मन और मस्तिष्क को भ्रमित करता है जब उसको चंचल करता है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है, मेमोरी का लॉस करता है। और खास बात यह है कि यह कि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से रिलेटेड जो जो सिम्टम्स होते हैं, तो उस हाउस के जो जो प्रभाव होते हैं उसको क्या करता है, उसको तो मतलब अस्थिर करता है, मतलब उसको तो जब मूव करता है तो वहाँ पर जिस भाव में बैठता है तो उससे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ ये चेंजेस जरूर करता है। अगर कुंडली में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि यह जो राशि और लगन से जो प्रेडिक्शन है कि जो फलादेश है, यह आपको तभी 70-80-90% तक आपको तो इफेक्ट देंगे, तो जो आपके लिए तो जो परफेक्ट रहेंगे इसके फलादेश, अगर राहु की स्थिति, राहु की महादशा अंतरदशा जो आपकी कुंडली में बहुत शुभ स्थिति में है, तो इसके 70-80% तक आपको तो रिजल्ट आपके पॉजिटिव आएंगे। और अगर तो आपकी कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव में है या उसकी महादशा और अंतरदशा शुभ नहीं चल रही है तो इसके अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अगर हम लगन से बात करें तो 70-80% तक इफेक्ट होता है इसका, और राशि से बात करेंगे तो 20-30% तक, और अगर शुभ है तो उसकी परसेंटेज तो उसकी प्रतिशत बढ़ जाती है और अगर अशुभ है तो उसके प्रतिशत में थोड़ी कमी आ जाती है। तो अधिकांश राहु जिस भाव में बैठता है और उस भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड के अनुसार कुंडली में उसके लॉर्ड की तो उसके स्वामी की स्थिति कैसी है, उस भाव के स्वामी की, तो उसके अनुसार अधिक फल देता है। बात करेंगे वृषभ राशि की, क्योंकि राहु का गोचर भी वृषभ राशि में ही हो रहा है, पर आज वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के ऊपर राहु का राशि परिवर्तन तो क्या प्रभाव देगा। तो वृषभ राशि और लगन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट हाउस में आपके आ रहा है, तो ये चित्त को चंचल, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको इरिटेट करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, कन्फ्यूज करेगा, मेंटल स्टेबिलिटी कम करेगा, आपके मेमोरी का लॉस करेगा और आपकी हेल्थ में भी थोड़ा जो आपकी तो हेल्थ को फ्लक्चुएट करेगा, तो हेल्थ को भी नरम गरम करेगा और थोड़ा आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ कन्फ्यूजन्स आपके बढ़ जाएंगे और घर से बाहर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और घर में आकर तो ये सारी चीज़ें थोड़ी और क्रिएट हो जाएंगी। तो राहु क्या है,
छाया ग्रह है, लेकिन इसके जो इफेक्ट है, जो इसके प्रभाव है, वो आपकी कुंडली के ऊपर बहुत अधिक होते हैं और ये बहुत जल्दी तो आपको प्रभावित करता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो थोड़ी हेल्थ उनका तो हेल्थ की दृष्टि से अगर देखें और उनकी स्वभाव नेचर से तो 50-50% तो कभी आपकी हेल्थ या स्वभाव आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और कभी आपके हेल्थ या स्वभाव में कि थोड़ी गड़बड़ी कि थोड़ा नरमी गर्मी हो जाएगी। तो बात करें तो आपके धन परिवार की स्थिति, कुटुंब परिवार की, आपके फाइनेंस की और परिवारजनों की, तो वहाँ से राहु, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं तो हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, तो वहाँ से रेट्रोग्रेड मिथुन राशि से रेट्रोग्रेड होकर तो वक्री होकर ये तो आपके तो वृषभ राशि में आ रहे हैं, तो आपकी तो मिथुन राशि से तो मिथुन राशि आपकी जो आपका सेकंड हाउस है फैमिली और फाइनेंस का, तो वहाँ पर ये तो 12वें हो गए। तो 12वां राहु हमेशा शुभ फल नहीं देता, 8वां और 12वां, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये आपकी फैमिली और फाइनेंस यानी आपके फाइनेंस को गड़बड़ करेगा। फाइनेंस यानी सेविंग, जो आपका धन कोष आप जहाँ इकट्ठा होता है उसको डिस्टर्ब करेगा, आपका अचानक लॉस करा देगा, आपका अनावश्यक खर्चा करा देगा और पैसे का नुकसान कराएगा और परिवार वालों से विरोध, कुटुंब से तो आपके विरोध, परिवार वालों से विचारों में डिफरेंसेस और लड़ाई झगड़ा और ये तो डिफरेंसेस आपके क्रिएट होंगे और परिवार वालों से आपको परेशानियाँ क्रिएट होंगी और या परिवार वालों को लेकर तो घर में तो आपका अनावश्यक खर्चा होगा, मेडिकल संबंधित या उनकी किसी कोई और ज़रूरत आपको पूरी करनी, तो यानी कुल मिलाकर तो ये आपके फाइनेंस को और आपके कोष को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा और आपकी वाणी पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा, तो कभी कभी आपकी वाणी बहुत ख़राब हो जाएगी और कभी कभी थोड़ी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मिथुन राशि इसकी उच्च की है तो कभी कभी वह बैलेंस कर देगा और लेकिन तो वाणी द्वारा भी तो इसलिए थोड़ा तो वाणी द्वारा भी आपको थोड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं, आपकी वाणी थोड़ी कुरल हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो आपको थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु एक क्रूर स्वभाव भी है तो इसका और ये तो आपकी वाणी को थोड़ा क्रूर कर देगा, जो कुटिल कर देगा, तो अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें और थोड़ा जो सोच समझ कर वार्तालाप करें किसी से भी तो परिवार में, तो थोड़ा संयम बना कर चलें। बात करें तीसरे भाव से राहु आपके तो जो कर्क राशि से लाभ स्थान में आ रहे हैं, लाभ स्थान की दृष्टि से देखें तो आपको अचानक ही धन लाभ कराएगा, अचानक आपको पता भी नहीं होगा और कहीं से आपके पास जो धन का आगमन होगा, यानी लाभ की दृष्टि से और जो सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि से तो यह 18 महीने आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे, अचानक आपको तो जो बड़ा धन भी कहीं से प्राप्त हो सकता है और लाभ की स्थिति बनेगी। बात करें चौथे हाउस की, तो वहां पर इसकी सिंह राशि है और वहां से सिंह राशि से 10वां घर तो यानी जो आपका कार्य व्यवसायिक हाउस होता है तो वहाँ पर राहु तो स्थित है। अब कार्य व्यवसाय को लेकर बात करें तो वहाँ पर आपका 50-50% का रेशो रहेगा, यानी इसमें संघर्ष थोड़ा अधिक रहेगा कार्य व्यवसाय को लेकर, लेकिन अचानक उसमें लाभ भी बढ़ जाएंगे और तो यानी उसमें ऐसे ऐसे करके फ्लक्चुएशन रहेगा, तो कभी लाभ और कभी हानि, कभी लाभ और कभी हानि, यानी एक जैसा ग्राफ नहीं रहेगा, तो मतलब ऐसे नहीं चलेगा। तो बात करें अगर इसके तो पंचम स्थान की, तो राहु की वहाँ पर पांचवी दृष्टि पड़ रही है और कन्या राशि है, दशोग्रही राशि है और वह वहाँ से तो राहु जो है 9th प्लेस में आपकी दृष्टि गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भाग्य आपको सपोर्ट करेगा तो आप उन्नति करेंगे और विदेश यात्राओं के योग बनेंगे और तो कुछ लाभ आपको प्राप्त होंगे और भाग्य का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। बात करें छठे स्थान की, वहाँ से आपका राहु 8वें तो राशि में है, तो यह जो आपका छठा हाउस है जहाँ से राहु 8वें बैठे हैं तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी नौकरी पक्ष वालों के लिए तो बिल्कुल फेवर नहीं करेगा, नौकरी छूटना, नौकरी में डिमोशन होना या नई नौकरी लगने में तो जब बाधा परेशानी आना और शत्रुओं का भय, गुप्त शत्रु यानी तो मित्र बनकर आपसे शत्रुता निभाएंगे और पीछे से आपको धोखा देंगे तो आपको धोखा मिलने के पूरे चांस रहेंगे और ऋण तो यानी कर्जा होने के कर्जा चढ़ने के पूरे चांस आपके ऊपर बनेंगे और कर्जा आपका जल्दी से नहीं उतरेगा, तो थोड़ा नौकरी पक्ष वाले लोगों को सावधानी बरतनी है, तो थोड़ा सावधान रहें और संयम से काम लें, तो अपने अधिकारियों से कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा वार्तालाप नहीं करें और चुपचाप रहकर तो उनका कहना माने, उनके अनुसार कार्य करें तो आपकी नौकरी बचेगी, नहीं तो आपकी नौकरी पर भी आ जा सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है।
नौकरी वर्ग वालों के लिए खास तौर से तो ये परेशानी वाला तो समय रहेगा। और इस समय किसी को ना ही कर्जा दें वो ना ही किसी से कर्जा लें, नहीं तो आप परेशानी महानावश्यक परेशानी में तो फंस जाएंगे और आपका कर्जा नहीं उतरेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में तो इसका इफेक्ट तो यहाँ पर कुछ ऐसे योग बनेंगे कि राहु आपका तो जो विवाह के जो लोग तो जिनके विवाह वगैरह की बात चल रही है तो वहाँ विवाह भी करवा सकता है और डिवोर्स की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो उसमें क्या है कि तो विवाह शादी के योग बन रहे हैं और तो लेकिन उसमें दाम्पत्य जीवन में मतलब थोड़े डिफरेंसेस भी क्रिएट हो रहे हैं, तो कहीं कहीं तो डिवोर्स की नौबत भी आ सकती है, तो आपके डिवोर्स भी हो सकते हैं और पार्टनर से तो एक दूसरे को आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बात करें आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान से आपके राहु पाँचवें हैं और जो पाँचवा संतान का घर होता है तो वृषभ राशि होने से तो उचका वहाँ पे होने से तो थोड़ा मैनेज करेगा, लेकिन फिर भी तो संतान को लेके चिंता टेंशन परेशानी और तो आपकी संतान को कोई प्रॉब्लम तो उनको पढ़ाई में दिक्कत आना तो या उनकी विवाह शादी में कोई अड़चन व्यवधान आना तो ये सब होगा, तो लेकिन बाद में मैनेज भी हो जाएगा। तो थोड़ा तो संतान के प्रति आप थोड़े जागरूक रहें और थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दें और उनके साथ तो जो सहयोग करेंगे कि तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। बात करें आपके कैरियर की, द कैरियर के घर से आपके राहु फोर्थ हाउस में भ्रमण करेंगे और तो वहाँ पर कुंभ राशि है और कुंभ राशि से तो जब ये फोर्थ हाउस में भ्रमण करेंगे तो आपको भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ होगा। और अगर कोई प्लानिंग आपके मकान को लेकर या भूमि को या प्रॉपर्टी को लेकर कोई चल रही है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा और नए मकान के योग बनेंगे, नए वाहन के योग बनेंगे और साथ में अगर कोई वाद विवाद किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपका पुराना चल रहा है तो वहाँ से आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। बात करें सोर्स ऑफ इनकम की, तो वहाँ से तो आपके राहु तो तीसरे हाउस में भ्रमण कर रहे हैं तो तीसरे में तो राहु अच्छे फल देते हैं तो यहाँ से आपको लाभ की स्थिति बनेगी और आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी और साथ में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपके तो आपके मित्र जो आपका द फ्रेंडली सर्कल है और आपके पड़ोसी और आपके जो मिलने वाले लोग हैं तो उनसे आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा, द छोटे भाई से लाभ मिलने की संभावना और उसका सहयोग मिलने की संभावना पूरी बनेगी। बात करें आपके मतलब द्वादश भाव की, तो वहाँ से तो राहु आपके दूसरे स्थान में है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है तो यानी ट्रैवलिंग आदि से थोड़ा सा बचें और तो जैसा मैंने बताया कि कुटुंब परिवार में जो थोड़ी हानि लेकिन जो थोड़े फाइनेंस को भी मैनेज करेगा। ऑल ओवर देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए तो यह तो जो 18 महीने जो थोड़े फ्लक्चुएशन वाले रहेंगे तो कभी ठीक हो जाएगा तो कभी ऐसे ऐसे मतलब ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो आप इसमें राहु के उपाय करें। राहु क्या है कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा देता है और तो इसके प्रभाव आपके ऊपर अधिक पड़ते हैं, तो इसलिए आप क्या करें कि राहु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए उसका थोड़ा सा उपाय करें। और उपाय का तो क्या करें, वृषभ राशि या लगन वाले जातक एक गोमेद रत्न जो तो जिसके राहु के बीच मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक गोमेद रत्न तो गोमेद रत्न जो है चांदी में धारण करें और पक्षियों को अनाज या 7 तरह का अनाज मिलाकर रखें और पक्षियों को डेली सिर के ऊपर 3 बार घुमाकर रांग रावेने मंत्र बोलते पक्षियों खिलाएं और राहु बीज मंत्र ओम भरांग भिरिंग भ्रोंग से रावेने में या रांग रावेने में रांग रावेने में प्रतिदिन एक माला बीज मंत्र का जाप करें। अगर अभी तक तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें। जय श्री हनुमान।